मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ पैरासिटामोल का, जो सबसे खतरनाक है। बच्चों को देते हैं हम जैसे बुखार होता है, तो आपको पता है कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये तो हमें पता है। बुखार तभी होता है जब बॉडी में वायरस बैक्टीरिया कुछ हो और बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एक्टिव नहीं रह सकता। जिस तरह से कोई भी जानवर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके अगर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दें, चाहे वो हाथी क्यों ना हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो हाई टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, लेकिन तब आप क्या करते हैं, पैरासिटामोल लेके जैसी बॉडी का टेम्परेचर फोर्सफुली घटाते हैं तो उन बैक्टीरियन वायरस को मौका मिलता है फैलने का। मतलब आपने कचरा बढ़ाने का काम कर लिया, अभी तक रीलोकेशन हो रहा है, अब वो गार्बेज बॉडी का जो है, जो बॉडी को खराब कर रहा था, उसकी तादाद मल्टीप्लाई हो रही है। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है, दोबारा से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन इस बार बॉडी को टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब वो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो म्यूटेट हो रहा है। ये नाम आपने म्यूटेट तो आपने पता ही है कि अब उतने टेम्परेचर से वो मरने नहीं वाले, तो बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर और बढ़ाएगा। अब आप क्या करेंगे, पैरासिटामोल और बढ़ा देंगे, और अब डेथ हो गया। मैंने पिछले 15 साल में कभी नहीं देखा किसी का फीवर से डेथ होते हुए। सीजर आता है कभी कभी, रेयरली 5-7 सेकंड के लिए डेथ नहीं हो सकती फीवर से, लेकिन पैरासिटामोल से हो सकती है। और पैरासिटामोल को के ऊपर जितने भी ट्रायल दुनिया में हुए हैं, दुनिया में 50% जो लीवर फेलियर के केसेस हैं, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक दवाई को है, पैरासिटामोल। इसीलिए इस दवाई को दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई का खिताब मिल चुका है।